ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो काम है ये सिर्फ गुंडागर्दी करना और उत्पात मचाना, यही एक काम है। वैसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो काम है ये सिर्फ गुंडागर्दी करना और उत्पात मचाना, यही एक काम है पूरे जगह। और जनसेवा इनके डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, जुआ सट्टा, अवैध शराब, यही सब कांग्रेस पार्टी का काम है। और उसी का नतीजा कल 1-2 साल के बाद अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। और बलवा चूंकि उन्होंने किया था, ये चीज़ साबित हो गया है, इसी वजह से ही शासन ने कल उनको गिरफ्तार किया है। अब इस पे तो कोई भी प्रकार की टीका टिप्पणी कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। और चूंकि गिरफ्तारी होनी थी, 2 साल तक ये टलता गया मामला, आचार संहिता का समय है, इस वजह से अधिकारियों को पर नकल नहीं कस पाए तो अधिकारी उनको गिरफ्तार कर लिए। अब बचाने के लिए ऐन कैन प्रकरण जैसा भी हो बचाना है, तो इस वजह से उनको बचाया जा रहा है। और पूरा भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ये चीज़ चाहता है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो गलत किया उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वो डॉक्टर विवेक बिसेन ने एडमिट किया है, उसके हिस्ट्री के हिसाब से ये है कि उनका क्रॉनिक अल्कोहलिक है, 10-12 साल की हिस्ट्री है अल्कोहल की, पेट में दर्द रहता है और सस्पेक्टेड वो पैनक्रियाटाइटिस के मरीज हैं और उनका कुछ दिन पहले पाइल्स का ऑपरेशन भी हुआ है। तो अभी वही कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, इसके कारण वो एडमिट हुए हैं। तो हम लोग तो यहाँ MBBS प्लेन MBBS डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, तो उनका मेडिकल कॉलेज उनको रेफ़र कर रहे हैं ताकि मेडिसिन विभाग के डॉक्टर उनको देख लें, आगे जो भी ओपिनियन रहेगा वो मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, इसलिए हम लोग भेज रहे हैं उनको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।